हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओक्स एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों आपका टो इज इक्वल्स टू होता है पी क्रॉस ई, ये ऐसा हम क्यों लिखते हैं, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डाइपोल कंसिडर करना पड़ेगा। और ये टो क्या है, यहां पर है टोर्क जो लगता है किसी भी डाइपोल पर अगर वो किसी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ होता है। तो लेट्स से यहां पर एक माइनस क्यू चार्ज प्रेजेंट है और यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है कि इनका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, डेफिनेटली 2a होगा। ठीक है, डाइपोल की डेफिनेशन ही ये बोलती है। और यहां पर जो डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन होगी ये वाली। ठीक है, जो P होगा हमारा वो माइनस Q से प्लस Q चार्ज की तरफ होगा। ठीक है, अब हम क्या कंसिडर करते हैं, अब हम ये देखते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे इस पर फोर्स लगाएगा। तो लेट्स से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये कुछ, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है और हर जगह सेम है, यूनिफॉर्म है। तो अगर मैं बात करता हूं इस पॉइंट की, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे आएगा और ये थीटा एंगल बनाएगा विद दी P वेक्टर, क्योंकि P वेक्टर भी देखिए ना यहां पर है, इस डायरेक्शन में है, और E मेरा हो जाएगा इस डायरेक्शन में। तो यहां पर थीटा एंगल बन रहा है, साफ साफ मुझे दिख रहा है। तो मुझे क्या देखना है, मुझे बस अब ये देखना है, यहां पर भी ये देखिए थीटा एंगल बनेगा। ठीक है, अब मुझे क्या देखना है, अब मुझे ये देखना है कि यहां पर फोर्सेस क्या क्या लग रही होंगी इस पर। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं थोड़ी देर के लिए, सो दैट चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, ये हमारा था क्या, माइनस क्यू चार्ज, और ये था हमारा प्लस क्यू चार्ज। अब देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये वाली, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा है इस डायरेक्शन में, तो फोर्स इस पे लगेगी माइनस क्यू चार्ज पर, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। ठीक है, इस डायरेक्शन में भाई फोर्स लगेगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज विल बी अपोजिट, क्योंकि आप ऐसा कंसिडर करते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, बाहर की तरफ होती है, आउटवर्ड होती है। और अगर नेगेटिव चार्ज मैं इसके पास लाकर रख दूंगा तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इसके पास लाकर रखूंगा तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी तो मूवमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज विल बी अपोजिट, और अपोजिट अगर मूवमेंट हो रहा है दैट मीन्स उस पर फोर्स भी अपोजिट लग रही है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये होगा क्यू ई, अब ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, दैट मींस कि ये वाला जो फोर्स का कंपोनेंट है वो आ जाएगा क्यू ई साइन थीटा, और ये कंपोनेंट आ जाएगा क्यू ई कोस थीटा। फिर अगर प्लस क्यू चार्ज पर देखूंगा तो इसमें इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही फोर्स लगेगी क्यू ई, तो ये हो जाएगा आपका क्यू ई कोस थीटा, और इधर हो जाएगा क्यू ई साइन थीटा। इतना क्लियर हो रहा है। अब आप अगर देखें तो अगर इस पर टॉर्क की हम बात करेंगे और डाइपोल मोमेंट के पूरे सिस्टम की बात करेंगे, डाइपोल के पूरे सिस्टम की हम बात करेंगे, तो ये किसके अबाउट घूमेगा, ये इस सेंटर के अबाउट घूमेगा, अगर ये घूमेगा भी तो। ठीक है, अब इस सेंटर से जो पास करने वाली फोर्सेज हैं वो कौन कौन सी है, एक तो है क्यू ई कोस थीटा और एक है ये क्यू ई कोस थीटा, और ये दोनों अपोजिट हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों एक दूसरे को भाई कैंसिल आउट कर देंगी, ये तो एक दूसरे के अपोजिट हैं तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी फोर्सेस, क्योंकि हम पूरे सिस्टम पर फोर्सेस की बात करेंगे तो इनका इफेक्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो नेट टॉर्क आएगा वो किसकी वजह से आएगा, नेट टॉर्क आएगा क्यू ई साइन थीटा और क्यू ई साइन थीटा की वजह से। ठीक है, तो यहां पर अब हम क्या बोलेंगे इसको कि ये इसके अबाउट घूमेगा, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ ए, यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ ए, तो मुझे सिंपली क्या लिखना है, टॉर्क की वैल्यू लिखनी है, टॉर्क विल बी इक्वल्स टू क्यू ई साइन थीटा इंटू ए इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से। अब देखिए एक चीज और आपको यहां पर देखनी है, ये हो जाती है ए की डायरेक्शन, ये होगी फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, इस पर्टिकुलर उसके लिए चार्ज के लिए यहां पर है आर, आपका इस डायरेक्शन में है, ये जो डिस्टेंस वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है, फोर्स इस डायरेक्शन में है। तो क्या मैं बोल सकता हूं राइट हैंड थंब रूल लगाकर कि ये जो होगा मेरा अपवर्ड होगा, यहां पर जो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क होगी वो अपवर्ड होगी। ध्यान से देखिए,
राइट हैंड थंब रूल लगाइए और अपवर्ड डायरेक्शन आपको मिल जाएगी। सिमिलरली जब आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपका आर की डायरेक्शन होगी ये, एफ की डायरेक्शन होगी ये, जब आप फिर से यहां पर राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो आपको अपवर्ड डायरेक्शन यहां पर मिलने वाली है। तो दोनों ही अपवर्ड डायरेक्शन होगी, इसलिए ये दोनों एड कर देंगे हम। तो ये हो जाएगा क्यू ई साइन थीटा इंटू ए, तो ये हो जाएगा टू क्यू ई ए साइन थीटा। अब देखिए क्योंकि हम सभी को मैग्नीट्यूड में लेकर चल रहे हैं तो यहां पर ये मैटर नहीं करता है हम ए को किधर रखे हैं या ई को किधर रख रहे हैं। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं टू क्यू ए ई साइन थीटा या फिर क्यू इंटू टू ए ई साइन थीटा। ये क्या बन गया मेरा, ये बन गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पी ई साइन थीटा, ठीक है। टो की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, पी ई साइन थीटा। अब आप अगर देखें तो यहां पर अगर हम बात करें, हमें देखना है कि टो की वैल्यू तो हमें मिल गई, ठीक है। ये या तो पी क्रॉस ई होगा या ई क्रॉस पी होगा, ठीक है, कोई एक ही चीज होने वाली है इसमें से, या तो ये होगा या फिर ये होगा। अब इसमें से होगा कौन सा, ये कैसे पता चले, तो इसके लिए हमें क्या करना है, देख लीजिए ना पी क्रॉस ई की क्या डायरेक्शन आती है और टॉर्क की क्या डायरेक्शन है। टॉर्क की डायरेक्शन है अपवर्ड। अब अगर मैं पी क्रॉस ई करता हूं तो पी मेरा क्या है, यहां पर पी है मेरा ये इस डायरेक्शन में और ई है मेरा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर मैं पी क्रॉस ई करता हूं, पी क्रॉस अगर मैं ई करता हूं तो ये होगा पी, ये ई इस डायरेक्शन में हो गया। तो ये जब ऐसे आएगा तो यहां पर राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग जब आप अपनी फिंगर्स ऐसे कर्ल करेंगे तो अंगूठा अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, यानी कि पी क्रॉस ई हमारा राइट चॉइस होगा। अगर मैं ई क्रॉस पी करूंगा तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन हम क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि टॉर्क की डायरेक्शन तो अपवर्ड है। तो आप कैसे लिख सकते हो फिर ये वाला फॉर्म, तो ये वाला फॉर्म गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्म गलत हो जाएगा आपका। तो आपको क्या लिखना है, पी क्रॉस ई वेक्टर विल बी इक्वल्स टू, ये बात क्लियर है ना सभी को, ठीक है। अगर किसी को ये चीज समझ नहीं आई है तो मुझे बता देना, और अगर मैंने इस कॉन्सेप्ट में कुछ गड़बड़ की है तो भी मुझे बता देना, आई विल एक्सेप्ट माय मिस्टेक, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे, कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों से भी करवा देना, ठीक है। थैंक यू सो मच।